कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन चल रहा था। इसमें सभी विटामिन हो चुके थे, केवल विटामिन बी बचा हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बी कॉम्प्लेक्स यह समूह विटामिन, यहाँ पर बी वन से लेकर बी ट्वेल्व तक के विटामिन आते हैं। पर याद रखिएगा बी फोर, बी एट, बी टेन, बी एलेवन विटामिन नहीं होते हैं। और जो विटामिन बी वन होता है और बी, दोनों को एक ही विटामिन काउंट किया जाता है। यदि हम बी कॉम्प्लेक्स की सोर्स की बात करें, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो अनाज, अंकुरित अनाज, डेयरी प्रोडक्ट, मछली है। फंक्शन की बात करें तो यह क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का विकास करता है। हेयर रेगुलेशन, बालों पर नियंत्रण रखते हैं। स्किन, टंग्स, लिप्स, स्किन, त्वचा, जीव, ओष्ठ का निर्माण करता है, यानी इनको अच्छा बनाने का कार्य करते हैं। को एंजाइम से विकार की तरह कार्य करने का कार्य भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स करते हैं। फॉर्मेशन और आरबीसी का निर्माण करते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद विटामिन बी वन या बी थायमिन कहा जाता है। इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम थायमिन है। ये जल में घुलनशील है और हमने इसको याद कैसे किया था, WBC से, कि विटामिन बी और सी वाटर में घुलनशील है, है ना। थायमिन ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो थायमिन, तो थाय का अर्थ होता है सल्फर। यदि पेपर में पूछा जाए किस विटामिन में सल्फर पाया जाता है, तो विटामिन बी वन में सल्फर पाया जाता है। विटामिन बी वन की कमी से एक महत्वपूर्ण रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर पूछा जाता है, बेरी रोग विटामिन बी वन की कमी से होता है। और ये बेरी रोग क्या होता है, जब विटामिन बी वन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन कम तो एनीमिया होगा तो ऊर्जा कम हो जाएगी हमारी बॉडी में, मांसपेशियों की गति कम हो जाएगी। जब मांसपेशियों की गति कम होगी तो हृदयघात होगा, और हृदयघात होगा जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, बेरी कहते हैं। इसके अलावा बी वन की कमी से एनारेक्सिया रोग होता है, और ये एनारेक्सिया क्या होता है, विटामिन बी वन की कमी होती है तो पाचन कम हो जाता है, पाचन कम होता है तो भूख कम लगेगी और वजन कम होगा, ठीक है, तो इसे एनोरेक्सिया कहते हैं। इसके अलावा याददाश्त की भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम यदि बात करें विटामिन बी टू, विटामिन बी को, बी टू को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, राइबोफ्लेविन कहा जाता है। यह भी जल में घुलनशील विटामिन होता है। गाय के दूध की यदि हम बात करें तो हल्का पीले कलर का होता है, उसमें क्या पाया जाता है, राइबोफ्लेविन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बीटा कैरेटीन भी पाया जाता है, तो यह याद रखिएगा। अब देखिए विटामिन बी टू की कमी से, है ना, विटामिन बी टू के लक्षण की बात करें, कमी से कौन कौन से लक्षण आते हैं, तो आँखों का आना, गले में सूजन होना, जीभ का काला होना, छोटी आंत में इन्फेक्शन, ये क्या होता है, विटामिन बी टू की कमी के लक्षण होते हैं। विटामिन बी थ्री, इसे नियासिन कहते हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन है। कमी से दस्त लगना, यानी डायरिया, चर्म रोग, है ना, चर्म रोग, याददाश्त कम होना, डेथ, मृत्यु होना जैसे समस्या विटामिन बी थ्री में देखी जाती है। इसका रसायन और नियासीन है, याद रखिएगा। और इसे D3-D4 डिजीज़ भी कहा जाता है, यानी पेलेग्रा रोग किसे कहा जाता है, विटामिन बी थ्री को कहा जाता है। पेपर बहुत बार पूछा जाता है पेलेग्रा रोग किसे कहते हैं, बी थ्री को कहा जाता है। बी थ्री की कमी के लक्षण की बात करें तो गले में सूजन होता है, जीभ में सूजन, हृदय का आकार बढ़ना और गंजापन, ठीक है। विटामिन बी फाइव का नाम जो होता है पेंटाथेनिक होता है, ठीक है, पेंटाथेनिक होता है। यह जल में घुलनशील विटामिन होता है। यदि कमी से रोग की बात करें तो बांझपना होता है, विटामिन बी फाइव कमी से बांझपन होता है, बालों का सफ़ेद होना, पैरों में जलन होना, और पैरों में जलन होना को क्या कहते हैं, बर्निंग फीट सिंड्रोम कहते हैं, जिसे टिकलिंग सिंड्रोम कहते हैं। पेपर बहुत बार पूछा जाता है टिकलिंग सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है, बी फाइव की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, पैर में जलन होती है, पैर के जो तलवे होते हैं वो बहुत जलते हैं। विटामिन बी फाइव के कार्य की यदि हम बात करें तो ये हार्मोन के उत्सर्जन को बढ़ाता है, ठीक है, हार्मोन के उत्सर्जन को बढ़ाता है। और कमी के लक्षण की बात करें तो ये हाथ पैर में क्या होते हैं, झंझनाहट होती है। अब विटामिन B6 जल में घुलनशील होता है, इसका नाम पायरोडॉक्सिन होता है, पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम होता है। यह RBC का फॉर्मेशन करता है, संचित वसा को शर्करा में बदलने का कार्य करता है, रेगुलेशन ऑफ ब्रेन का कार्य करता है, है ना, स्लीपिंग पैटर्न या स्वप्न बनाने में मदद करता है। तो यह पेपर यदि पूछा जाए B6 का कार्य, स्वप्न बनाने वाला विटामिन क्या है, तो B6 है, ठीक है। पायरोडॉक्सिन रासायनिक नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद ही रखिएगा। उसके बाद देखो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि गाय के दूध पीला किस विटामिन के कारण होता है, B2 के कारण होता है, है ना, B2 के कारण होता है। और B6 ये नोट करिए, विटामिन B6 को ड्रीम विटामिन या स्वप्न विटामिन भी कहा जाता है। कोबाल युक्त विटामिन कौन सा होता है, कोबाल युक्त विटामिन की यदि बात करें तो B12 को कोबाल्ड युक्त विटामिन कहते हैं। सारे विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सभी विटामिन किस फल में पाए जाते हैं, पपीते में पाए जाते हैं, ठीक है।
पपीते में पाए जाते हैं। इसके अलावा सल्फर युक्त विटामिन की यदि बात करें तो किस में पाया जाता है, सल्फर विटामिन B1 में पाया जाता है। कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है वह बायोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों, बायोटीन होता है और यह भी जल में घुलनशील विटामिन होता है। और इसके कार्य की बात करें तो यह बालों पर नियंत्रण ऊर्जा का निर्माण करने का कार्य करता है। बायोटीन यदि आप सप्लीमेंट लेते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं। ये बायोटीन विटामिन B7 का नाम होता है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड जल में घुलनशील होता है। विटामिन B9 जो होता है फॉलिक एसिड होता है, जल में घुलनशील होता है। गर्भाशय के समय प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड टैबलेट भी दी जाती है, यानी B9। ठीक है, DNA को बनाने में मदद करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA का पूरा नाम होता है। और ये भ्रूण के विकास ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो है ना, विटामिन B9 ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो का कार्य करता है। यदि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड रक्त का निर्माण करने का कार्य कौन करता है, विटामिन B9 करता है। यदि इसके सोर्स की बात करें तो हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, खजूर, गुड़ आदि होते हैं।